आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। कोर्ट में पेशी के लिए लाए हत्या के आरोपी पर दो बाइक सवारों ने चलाई गोलियां, मौके से फरार। हिमाचल प्रदेश प्रकाश चंद शर्मा हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट परिसर में नाहन से पेशी के लिए लाए गए हत्या के एक आरोपी पर दो बदमाशों ने गोलियां दाग दी। बदमाशों ने दो फायर आरोपी पर किए और एक हवा में किया, हालांकि आरोपी को गोलियां नहीं लगी। पुलिस के अनुसार नालागढ़ में करीब एक साल पहले खेड़ा पेट्रोल पंप के पास गैंगवार हुआ था, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। व्यक्ति के हत्या मामले में आरोपी नाहन जेल में रखा गया था। आज सोमवार को पुलिस इसे नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के लिए लाई तो अचानक बाइक सवार दो व्यक्तियों ने उसके पीछे से दो गोलियां चलाईं, लेकिन आरोपी को नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने एक गोली हवा में चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से बदमाश बाइक पर भागने लगे, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक जाम होने से बाइक छोड़कर कोर्ट परिसर के पीछे जंगल में भाग गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। डीएसपी अमित यादव ने मामले की पुष्टि की है। जो एक वैसे अंदर घुस गया जाकर चैम्बर में चला गया, वो उसकी सिक्योरिटी के लिए वैसे तो दो हमेशा नॉर्मली पुलिस वाले यहाँ पे लगे रहते हैं हर कोर्ट के बाहर। वो तो इस टाइम जैसे हुआ तो पुलिस वाले बहुत बैठे थे बाहर। प्रेम सिंह ठाकुर वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन नालागढ़। सर एक वारदात हुई है यहाँ पर अभी। हाँ इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ये 302 तुम ले लो 302 के ट्रायल में यहाँ पे मुजरिमों को लाया जाता है जिनके साथ कोई सिक्योरिटी इतनी खास नहीं होती है, ना ही यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगाए गए हैं कोर्ट परिसर में, ताकि कोई ऐसी वारदात होए तो हम किसी को उस सीसीटीवी कैमरे के थ्रू पकड़ सके या देख सके कौन थे। बाकी ये जो पुलिस वगैरह आती है कोई छोटे मोटा केस होगा तो काफ़ी यहाँ पे गश्त भी लगा दी जाती है। एक बार पहले भी ये इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम बहुत सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे कर दी थी जबकि वो मैटर इतना बड़ा भी नहीं था। अब यहाँ पे 302 के इतने सीरियस ऑफेंस वाले मुलजिमों को लाया जा रहा है पर उनके लिए कोई सिक्योरिटी, एक पुलिस वाला है जिसके पास बंदूक होती है वो है, बाकी सब हाथ पकड़ के बैठे हैं या किसी को हैंडकफ किया हुआ है। तो इसके लिए मिलने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उनके सारे रिश्तेदार भी ऊपर रहते हैं, कोर्ट में घुसना और निकलना भी मुश्किल हो जाता है उस समय। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाए और ये यहाँ की पुलिस की और ये SDM साहब से दरख्वास्त है कि यहाँ पे CCTV कैमरेज वगैरह उपलब्ध करवाएं ताकि पता लग सके कि आगे को कोई ऐसी वारदात हो तो उससे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके।